हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क, अर्थात कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सभी आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यह है आप लोगों की अरिहंत बुक का चैप्टर नंबर 15, कार्य और समय, जिसमें आज हम बच्चों विगत वर्षों के प्रश्न देखने वाले हैं। और यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, यहां पर आप लोगों को देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं। क्या दिया गया बच्चों, यहां पर आप लोग देखेंगे 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, यहां पर आप लोगों से यह पूछा गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले आपको देखना है कि क्या दिया है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां। अब यहां पर अथवा का अर्थ आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस अथवा शब्द का अर्थ क्या है, यहां पर आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए। तो देखिए, अथवा का मतलब होता है या का मतलब क्या होता है, या तो 12 पुरुष इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 21 दिन में कर सकते हैं, या तो फिर 15 स्त्रियां अर्थात जो 15 लेडीज हैं वो इस कार्य को 21 दिनों में कर सकती हैं। तो अथवा का मतलब क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, अथवा का मतलब होता है या, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर आप लोगों को दिया है बेटा 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां। तो देखिए, यहां पर आप लोगों को क्या करना होता है, जो भी यहां पर आपको दिया होता है उसे आपको रखना होता है बराबर। क्या करना होता है बेटा, बराबर रखना होता है। तो हम ले लेते हैं 12 पुरुष, क्या लिखना है, 12 पुरुष जो है दोस्तों, ये देखिए बच्चों, यहां पर देखना, आपको यहां लिखता हूं मैं, 12 पुरुष जो है ना आप लोगों का, ये क्या है, 15 स्त्रियों के बराबर। इस तरीके से लिखेंगे आप, जो 12 पुरुष है आपके, ये क्या है बच्चों, 12 पुरुष 15 स्त्रियों के बराबर है, 15 महिला के बराबर है। अब देखिए, ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों को कार्य करने में 21 दिन लगते हैं। जितना कार्य 12 पुरुष 21 दिन में करते हैं, उतना ही कार्य 15 महिलाएं 21 दिन में करती हैं। अब दोनों बराबर है तो हम इसे क्या मान सकते हैं, देखिए इस 12 पुरुष की जगह हम लिख लेते हैं पी से पुरुष और एम से कर देते हैं महिला। ये आपको समझ में आ गया, इतना सा समझ में आया। देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इन्हें कैंसिल करेंगे, किससे डिवाइड करें, 3 से करेंगे। तो 3 से 4 टाइम में 12 और 3 से 5 टाइम में कितना होता है 15, 5 बार हम काटेंगे तो आ जाएगा क्या हो जाएगा, 3 5 15 और 3 चुकू 12। यहां पर देखिए, 4 पुरुष बराबर 5 महिला आ गई। क्या आया दोस्तों, क्या है बच्चों, 4 पुरुष बराबर 5 महिला आ गई, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे बोला है, 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यहां पर समझना है आपको। देखिए, अब आपसे जो पूछा है वो समझिए, और का मतलब क्या होता है, यहां पर अगर आपको समझ में आए 6 पुरुष या और या फिर आपसे बोल सकते हैं तथा, तो इन दोनों का मतलब होता है दोस्तों एक साथ। क्या होता है बच्चों, एक साथ, क्या होता है, एक साथ होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, अब यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया है, उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर, मिलने का मतलब समझ गए, जोड़ना है, तो तथा और का मतलब क्या होता है, एक साथ होता है। तो देखिए, यहां पर आपको दिया है 6 पुरुष, क्या दिया बच्चों, 6 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी, आपसे यह पूछा है। अब देखिए, यहां पर आप लोग अगर किसी एक की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख देते हैं तो आपका माना जाएगा क्या, देखिए ये तो हमें पहले दिया था, हमने वो लिखा है। अब यहां पर आप पी की वैल्यू निकाले बेटा, तो देखिए क्या होगा, ये जो 4 यहां पर गुणा में है, 4 यहां पर क्या है, पी के गुणा में, इसे उधर भेजेंगे तो कहां चला जाएगा, 5 m/2 में, मतलब नीचे। तो यहां से आपके देखिए क्या निकल गई, यहां से बेटा निकली आपकी पी की वैल्यू, क्या निकली, पी की वैल्यू। अब पी का मान हम यहां रखेंगे तो देखिए 6 गुणा पी की वैल्यू रखिए तो क्या है, 5 m/4 में क्या आ गया, 4 प्लस यहां पर लिखेंगे बेटा 10 m, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, तो 3 5 15 m, ठीक है, 15 m धन। यहां पर देखिए 10 m और इधर इसके बटे में क्या है बेटा, 2, इधर कुछ नहीं है तो इसके बटे में आप 1 मान लो। अब आप लेंगे LCM, क्या लेंगे बेटा, LCM,
तो एलसीएम जब एक तरफ एक नंबर लिखा हो अपॉन में नीचे और एक तरफ कोई अदर नंबर बड़ा नंबर लिखा है, तो जो बड़ा नंबर होता है वही क्या हो जाता है उनका एलसीएम। तो आप इसका जब एलसीएम लेंगे बेटा, तो आप देखिए यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, टू। यहां पर एलसीएम क्या आएगा, टू आएगा। इतना समझ में आया, एलसीएम टू आया। तो आप देखिए क्या करेंगे, ये पहला वाला नंबर ऐसा ही लिखा रहेगा, पहला वाला नंबर आपका ऐसा ही लिखा रहेगा जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, इसमें किसका गुणा किया जाता है, एलसीएम का धन। दूसरा वाला नंबर लिखेंगे यहां पर देखिए, और गुणा किसका करेंगे, एलसीएम का। अब यहां पर आप देखेंगे टू से टू कैंसिल हो गया बेटा, तो आप यहां क्या बचा, तो आप कहेंगे सर 15m बचा है धन, यहां 10। ये वन से टू तो कैंसिल होगा नहीं, वन से टू तो कैंसिल होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, 10 टू से कितना था 20m, ये आपने लिख लिया, यहां 20m बटे में आ गया 2। अब इसे जोड़ देंगे आप, तो देखिए क्या आ रहा है, इसे जोड़िए तो बेटा क्या आ रहा है, आप देखेंगे, आप देखेंगे कि 20 में 15 जोड़ेंगे तो आ गया 35m बटे में 2। अब यह हमने क्यों निकाला, आपको यह समझ में आया है कि नहीं आया, देखिए यह हमने क्यों निकाला यह समझाते हैं। अब आप यहां देखेंगे आपसे बोला क्या था, तो देखिए आपसे पहले बोला था 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिनों में करते हैं दोनों मिलकर। तो यह क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन है, यह आपको काफी अच्छे से समझना है, इसके आगे सारे क्वेश्चन सरल है। यहां पर देखिए 12 पुरुष अथवा 15 महिला, तो यहां पर देखेंगे आप 12 पुरुष 15 महिला हमने बराबर रखा, इसे डिवाइड किया हमने 3 से, ये 4 बार गया, ये 5 बार, इसका मतलब क्या हो गया, 4 पुरुष बराबर से 5 महिला। जितना कार्य एक दिन में 4 पुरुष करते हैं उतने कार्य को करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत है, 5 महिलाओं की जरूरत है। इतना समझ में आया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां पर देखना है, जो 4 गुणा में लिखा बेटा ये क्या कर रहा है, हमने उधर भेज दिया जिससे हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू क्या आई, 5m/4। अब आगे आपसे प्रश्न में बोला है कि 6 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, तो यहां पर आपको देखना है 6 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर रही हैं। तो 6 और P की जगह हमने क्या रखा, 5m/4, यहां से इसकी वैल्यू रख दी। तो देखिए इसे हमने डिवाइड किया तो आ गया 15m/2 प्लस 10m/1। अब क्या करना है बेटा, तो यहां पर हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम का आ गया 2। अब ऊपर वाला पहला वाले संख्या गुणा करेंगे 2 से धन, दूसरी वाली संख्या गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि एलसीएम से गुणा किया जाता है एलसीएम लेने पर। अब यहां देखेंगे आप 2 से 2 कटा तो 15m प्लस यहां पर देखिए 20m/2, तो 35m/2 आ रहा है। मतलब अब हमें कितने लोगों से कार्य कराना है, देखिए हम बात करें तो 35 महिलाओं, 35m/2, मतलब 35/2 महिलाओं से कार्य कराना है। अब यहां पर क्वेश्चन को आपको समझना है, देखिए यहां पर किसकी वैल्यू निकाले आपने, इसे ध्यान दीजिए, तो आपने m की वैल्यू निकाले बेटा। तो पहले महिलाएं कितना, देखो पहले कितनी महिलाएं थी, तो आप कहेंगे कि 15 महिलाएं थी जो कि 21 दिन में उस कार्य को कर रही थी, 15 महिलाएं थी जो कि 21 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देती थी। अभी कितनी महिलाएं हैं, अभी आप देखिए कितनी महिलाएं हैं बेटा, तो आप कहेंगे कि सर जी अभी तो 35/2 महिलाएं हैं, तो ये कितने दिनों में करेगी। तो आप देखिए इसे करने का तरीका है, इतना ज्ञात करने के बाद आपको लगाना पड़ता है हमारा m1w1 बराबर m1d1 वाला, आप फॉर्मूला लगाएंगे m1d1 बराबर में लिखेंगे m2d2, इसे आपने लिखा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, m1 मतलब पहले कितनी महिलाएं थी, तो पहले 15 महिलाएं थी, कितने दिन में काम कर रही थी बेटा, तो पहले 15 महिलाएं थी 21 दिनों में काम कर रही थी। अभी कितनी महिलाएं हैं, m2 अभी नई प्रेजेंट कंडीशन में, तो आप कहेंगे 35/2 महिलाएं हैं, और d2 की वैल्यू आपको निकालना है, दिन तो आपको निकालना है कि कितने दिनों में करेंगी। अब आप देखेंगे यहां पर, तो आप देखिए यहां पर d2, तो ये वाले नंबर्स क्या होंगे, इधर आएंगे, ये जो नीचे वाला नंबर है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर हो जाएगा गुणा, और इस नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा यहां पर है। तो आप इसे करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे, चलिए मैं इसे इस तरीके से लिखे रहने देता हूं। तो d2 की वैल्यू निकालना है अब आपको, तो देखिए d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2 बराबर 2 इसके मल्टीप्लाई में आ गया 15/21/2 अपॉन में क्या आया 35, डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। देखिए किससे डिवाइड करें, तो हम कर देते हैं 5 से, 5 3 15, 5 7 35, फिर 7 से करते हैं तो आप देखेंगे 7 7 7 3 कितना हो गया 21। तो आप देखिए क्या बचा बेटा, तो d2 बराबर बचा 3 3 9 9 2 18, कितने दिन में 18 दिनों में यह कार्य समाप्त होगा बेटा, कितने दिनों में 18 दिनों में यह कार्य समाप्त होगा। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पूरा, देखिए यह पूरा एक साथ आपको दिखने लगा, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, इसका जूम आउट कर दिया है, देख सकते हैं आप।
तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा? 18 दिनों में। किस ऑप्शन में दिख रहा है वही क्या होगा आपका राइट आंसर, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन सबसे कठिन क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में है, उसके बाद सारे क्वेश्चन सरल होंगे, आप ध्यान से बने रहिए। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक काम को, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां। अब देखिए बेटा यहां पर क्या बोला है, तो आप कहेंगे सर जी 12 पुरुष को मान लीजिए P, पहले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं मैं, ठीक है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां। तो देखिए अथवा का मतलब होता है बराबर, एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, यह हमारे काम का अभी नहीं होता, बाद में आता है। देखिए पहले तो आप इसे छोटा करते हैं, तो आप 2 से काटेंगे तो ये तो कट ही नहीं रहा है, 3 से काटते हैं, देखिए 3 4 12, 3 5 15। अब देखिए यहां पर क्या बचा, 4p बराबर से 5m। अब हम p की वैल्यू निकाले बेटा, तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई में इसे उधर भेजेंगे तो कहां जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया 4। तो p की वैल्यू देखिए आपके सामने निकल कर आ गई, p की वैल्यू आप लोगों के सामने निकल कर आ गई, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, तो अब आप देखेंगे हमसे जो क्वेश्चन पूछा वो देखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है अगर ऐसा होता है ये मिलकर मतलब अथवा में, या तो 12 पुरुष या 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तब आपसे पूछा है कि 7 पुरुष और 10 महिलाएं, क्या दिया है 7 पुरुष धन कितनी 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेंगी, आपसे यह पूछा गया इस कार्य को। तो आप देखिए आप क्या करेंगे बेटा, यहां से 7 और P की वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर जी 5m अपॉन में 4 है धन, यहां पर 10m रख देंगे। अब यहां पर आप ये काट तो सकते नहीं, तो इसे क्या लिखेंगे 7 5 35 अपॉन में 4 प्लस 10m और इसके अपॉन में आप क्या मानेंगे बेटा 1, इसके अपॉन में क्या लेंगे आप 1 लेंगे। अब जब हमने 1 ले लिया तो क्या करेंगे हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 7 एलसीएम आएगा इसका, कितना एलसीएम आएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर जी 4 एलसीएम आएगा, नीचे 4 है ना, जब एक तरफ कोई एक नंबर मतलब एक तरफ कोई बड़ा नंबर लिखा और एक तरफ क्या लिखा है एक लिखा है, तो जो बड़ा नंबर होता है वही क्या होता है आपका एलसीएम, तो 4 एलसीएम। देखिए अब इसके साथ लिखकर आप 35m अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 4 लिखते हैं प्लस यहां पर देखिए 10m अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 4 लिखते हैं बेटा, तो आप देखिए क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि सर यहां पर क्या हो रहा है, इसे देख लेते हैं, हम इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचा 35m धन, यहां देखिए ये 4 10 से कितना हो गया 40m अपॉन में क्या आ गया 4, इसे देखेंगे तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा 75m अपॉन में क्या आ गया 4। तो अब हमें कितने की वैल्यू निकालना है इसकी, ये समझ में आया। अब देखिए यहां पर हम जो निकालते हैं इसे देखिए, यहां पर हमने क्या निकाला है एम महिलाएं, एम निकाला है बेटा एम, तो इस एम का ही आपको ध्यान रखना है। अब क्या लगाएंगे हम, अब लगाएंगे हम एम वन डब्ल्यू वन, क्या लगाएंगे बेटा एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू, यह फार्मूला हमारा लगेगा। एम से होता है क्या होता है, एम से महिला मेन अर्थात जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनकी बात की जाती है, जैसे महिला हो पुरुष हो या फिर आपको कर्मचारी दे दिया जाए, बालक बालिकाएं दे दिया जाए, तो वो एम में आता है। और डी से होता है डे, डे का मतलब क्या होता है दिन। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा था, तो हमने जो निकाला उसके बारे में देखेंगे, हमने क्या निकाला है, तो आप कहेंगे सर एम निकाला है, तो एम का मतलब है महिला, तो स्टार्टिंग में देखिए तो 15 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर रही थी, तो हम यहां लिखेंगे 15 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर रही थी पहले। अब क्या बोला है, अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में बोला है 7 पुरुष और 10 स्त्रियां, तो 7 पुरुष और 10 स्त्रियां दोनों को हमने किसमें बदल लिया, महिलाओं में बदल लिया। अब जब महिलाओं में बदल लिया तो टोटल कितनी महिलाएं हुई, 75/4 महिलाएं हुई बच्चों, कितनी हुई 75/4 महिलाएं गुणा डी टू। अब डी टू की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा बेटा, डी टू की वैल्यू निकालना है, ये नंबर रहेगा इसका क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, आप कहेंगे 15 × 10 × 4 और ये जो नंबर था इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कहां गया नीचे 75, तो आप देखिए 15 बन जा 15 15 5 जा 75, क्या 15 का टेबल आपको आता है, 5 बन जा 5 5 2 जा 10, तो D2 बराबर से देखिए 2 × 4 इसका मतलब क्या हो गया बेटा, D2 बराबर से 8 दिन, क्या आंसर आया आपका 8 दिन राइट आंसर आ रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है आपके जो कि सबसे कठिन है और सबसे ज्यादा लॉन्ग है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसे इस तरीके से ही करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए पीछे करके और फिर से देखिए और फिर से समझिए, फिर एक बार ना आए तो फिर एक बार समझिए, 2 या 3 बार में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा
और आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर क्या दिया, देखिए क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए कितना सरल सवाल है, इतना सरल सवाल आपके एग्जाम में आया है तो क्या बात है, आपका तो एक नंबर फिक्स हो गया टाइमिंग वर्क से। देखिए क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे बच्चा तो आप लगाएंगे MDH, MDH मसाले का नाम सुना है, बस वही आपको यहां पर फिट करना है। देखिए क्या करना है आपको, तो आपको लिखना है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 MDH मसाला, बस यह हो गया आपका। MDH मसाले से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। अब कैसे हल करेंगे सर जी, तो देखिए बेटा यहां पर कैसे हल होगा। पहले क्या बोलता है, एक व्यक्ति, एम का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर आपको यह समझना है, एम का मतलब होता है व्यक्ति, एम का मतलब क्या होता है व्यक्ति, महिला पुरुष बालक बालिकाएं कुछ भी हो सकता है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है बेटा दिन, डी का मतलब क्या होता है दिन, और एच का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर घंटे आवर, ऐसे आवर होता है ना एच से, एच ओ यू आर आवर, आवर का मतलब क्या होता है घंटे, तो बस यही आपको समझना है। अब देखिए यहां पर मान रखते हैं एक व्यक्ति, मतलब एम की वैल्यू कितनी दी है 1 × 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, डेली कितने घंटे कार्य कर रहा है 8 घंटे का मतलब क्या हो गया आवर, आवर मतलब एच की वैल्यू दी है आपको यहां पर 8। अब देखिए प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में 12 दिनों में, तो डी की वैल्यू क्या है 12। पहला पक्ष आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, सेकंड टर्म आप लोगों से पूछा जाता है, फर्स्ट टर्म हमेशा आपको क्वेश्चन में मिलेगा, सेकंड टर्म में देखते हैं आपसे क्या एक कोई सा भी पद गायब होगा उसे ही आपको ढूंढना होता है। देखिए सेकंड टर्म में आपको दिया है यदि वह व्यक्ति, यदि वह मतलब व्यक्ति तो कितना है एक ही है अभी तो, यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे, 6 घंटे प्रतिदिन मतलब रोज किसको कितने देर कार्य करना है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहां पर डी टू की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है कि वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब डी टू की वैल्यू बताना है बेटा तो क्या होता है, देखिए डी टू की वैल्यू बताना है ना, तो यहां पर ये जो नंबर आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं इसे जब बराबर के दूसरे साइड भेजा जाता है तो ये कहां जाते हैं, तो ये डिवाइड में जाते हैं। कहां जाते हैं बेटा, डिवाइड में जाते हैं। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा 1 × 12 × 8 और इसके डिवाइड में क्या जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं। अब देखिए 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, तो डी टू बराबर से क्या निकला बेटा आप देखेंगे, तो आप कहेंगे सर जी डी टू बराबर से हमारा यहां पर निकला है, क्या निकला है डी टू बराबर से, तो आप कहेंगे डी टू बराबर 2 × 8, इसका मतलब क्या होगा 8 × 16 days, कितने दिनों में कार्य होगा 16 दिनों में, कितने दिनों में कार्य होगा बेटा 16 दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बेटा, तो यहां भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है जैसे पहले दो क्वेश्चन हमने किए थे, पहले दो क्वेश्चन जो किए था ना सेम वही क्वेश्चन है यहां पर। देखिए पहले दो क्वेश्चन में जो दिया था वैसा ही आप देखेंगे, एक कार्य 12 व्यक्ति अथवा 15 औरत, मतलब 12 पुरुष या 15 महिलाओं के द्वारा 20 दिन में पूरा किया जाता है, तो 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगी, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यह कैसा होगा, तो पहले स्टार्टिंग से करते हैं हम वही जो हम करते आते हैं। देखिए क्या देना है आपको, 12 व्यक्ति, क्या दिया बेटा 12 व्यक्ति, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे यहां क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो चलिए क्वेश्चन हमारा छोटा हो गया, अब देखते हैं हम यहां पर हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए पहले जो दिया है 12 व्यक्ति, 12 व्यक्ति को आप क्या लिखेंगे बेटा 12P लिखेंगे, 12 पुरुष, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 15 महिलाएं, 12 पुरुष अथवा 15 महिलाएं एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करती, तो उस 20 से हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें इससे मतलब है। देखिए 3 से आप इसे डिवाइड करेंगे 3 × 4 = 3 × 5 = 3, 3 से भाग देना है आपको, ठीक है, इतनी बार भाग चला गया। अब आप देखेंगे क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 4P बराबर में 5M दिया है आपको। अब P की वैल्यू आपको निकालना है बेटा, तो ये P यहां जो गुणा में इसे इधर भेजेंगे तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, कहां चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो ये देखिए P की वैल्यू निकलकर आ गई, एक P की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया उसे देखना है, देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहले वो देखिए,
अब चार व्यक्ति और पांच औरतें, क्या दिया बेटा, चार व्यक्ति और पांच औरतें। तो आपसे पूछा है चार पुरुष, और का मतलब होता है धन, और तथा का मतलब भी क्या होता है धन। पांच औरतें मतलब पांच महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर पी की वैल्यू रखेंगे, फोर मल्टीप्लाई पी की वैल्यू यहां से रखिए बेटा, क्या हो जाएगा, फाइव एम अपॉन में फोर प्लस फाइव एम, और यहां पर देखिए फोर से फोर कैंसिल, तो क्या बेटा यहां पर क्या बचा बेटा, तो फाइव एम, और इधर भी फाइव एम, देखिए यहां पर फोर से फोर वन टाइम में कट गया तो फाइव एम बचा, प्लस फाइव एम इधर भी बचा, तो फाइव और फाइव कितना हो गया टेन, टेन एम। देखिए कितनी महिलाओं से अब हमें कार्य करना है, हमने क्या किया यहां पर, ये क्या है, ये कैसा कर दिया सर। तो देखिए बेटा हमने क्या किया, हमने यहां से पी की वैल्यू, पी की वैल्यू निकाली है ना, अच्छा समझ में आया, पी की वैल्यू निकाली। अब इसमें हमने पी की वैल्यू रखी, और देखिए ये चार पुरुष और पांच महिलाओं को हमने क्या बना लिया, सिर्फ महिला बना लिया, अलग पुरुष अलग महिलाएं नहीं रखी, सभी को एक जैसा कन्वर्ट कर लिया, चार पुरुष को भी क्या बना लिया हमने महिलाएं, तो देखिए महिलाओं में चेंज कर लिया, तो कुल मिलाकर कितनी महिलाओं से काम कराना, दस महिलाओं से काम कराना है। पहले क्या हो रहा था, पहले आप देखेंगे तो पहले क्या हो रहा था बेटा, पहले हम लगाते हैं M1 D1 और M2 D2, ये हमारा फार्मूला है जो कि आपको हमेशा हर क्वेश्चन में काम आएगा। अब पहले क्या हो रहा था, पहले यहां पर हम जो निकालते हैं ना उसी के बारे में देखना होता है, किसे निकाले हमने, M को निकाले, M का मतलब महिला, तो पहले महिलाएं देखिए, पहले 15 महिलाएं थी, कितनी महिलाएं थी 15 महिलाएं, M की वैल्यू क्या हो गई 15, कितने दिनों में कार्य कर रही थी 20 दिनों में, तो पहले वाले D1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा 20। अब यहां पर देखेंगे M2, तो आप देखिए आप कितनी महिलाएं बना ली हमने, तो 10 महिलाओं से काम कराना, कितनी महिलाएं 10, और D2 तो हमें निकालना है कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये तो हमें निकालना है, तो क्या किया जाए बेटा, तो आप देखेंगे कि सर यहां से D2 की वैल्यू निकालना है, तो इस 10 को जो यहां मल्टीप्लाई है इसे क्या कर दीजिए दूसरी ओर भेज दीजिए। अब मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है वो दूसरी ओर जाता है, कहां जाता है डिवाइड में जाता है बेटा, कहां जाता है डिवाइड में, तो 15 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में क्या आ गया 10, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो अब आप देखिए कि D2 बराबर से क्या बचा है, तो 15 मल्टीप्लाई 2 बचा है, क्या बचा 15 मल्टीप्लाई 2, तो D2 की वैल्यू क्या है बेटा, आप देखेंगे तो कहेंगे सर D2 बराबर से 15 टू जा 30 डेज, कितना आया बेटा, कितना आंसर आया, तो आप कहेंगे 30 दिन, कितना आंसर आ रहा है सर जी 30 दिन आ रहा है, राइट आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया बेटा किस तरीके से करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको समझना है कि यहां पर क्या हो रहा है और यहां पर ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम क्या करते हैं यहां से पी की वैल्यू निकालकर सभी को महिलाएं बनाती है, सभी को महिलाएं बना ली है, तो हमने पहले देख लिया कि पहले महिलाएं इतने दिनों में कर रही थी, तो अब इतनी टोटल महिलाएं ये कितने दिनों में करेंगी, आसान हो जाता है इससे, और इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी, यही इसकी ट्रिक है, यही इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये वाला भी आपका वही क्वेश्चन, तो शुरू के जो पांच क्वेश्चन है ना, मैंने आपको कहा था कि ये पांच क्वेश्चन आप टिक गए तो समझ लिए कि टाइम एंड वर्क में आपका काम बेड़ा पार हो जाएगा, ये सबसे कठिन क्वेश्चन है, इसके बाद सारे क्वेश्चन सरल होंगे, आपके एमडीएच मसाले पर आधारित है। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या दिया, यदि चार पुरुष अथवा या दिया है, या दिया है अथवा और या का मतलब क्या होता है ये अभी समझा देंगे, 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीन पुरुष और चार लड़के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब चलिए भैया अब यहां पर देखिए, तो देखिए अगर आपको अथवा शब्द मिल जाए बेटा, क्या मिल जाए अथवा शब्द, तो अथवा शब्द का मतलब भी क्या होता है बराबर का चिन्ह, अथवा शब्द का अर्थ क्या होता है बराबर का चिन्ह। अगर या शब्द मिल जाए बेटा तो या शब्द का मतलब भी क्या होता है बराबर का चिन्ह। और शब्द मिल जाए बेटा तो और शब्द का मतलब क्या होता है, तो और शब्द का मतलब होता है धन। और अगर तथा शब्द मिल जाए बेटा तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है धन। ये चारों आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद रहेंगे ये चारों, अगर आपको याद रहेंगे ना तो ये वाले क्वेश्चन करने में आपको क्या होगी बेटा आसानी, ये वाले क्वेश्चन करने में आपको क्या होगी बिल्कुल आसानी होगी, क्योंकि इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहां पर जो दिया है उसे समझते हैं, तो आपको दिया है चार पुरुष या का मतलब क्या हो गया बेटा, आप देखो तो बराबर आठ लड़के, आठ लड़के, लड़के को हम मान लेते हैं एल, लड़के को क्या मान लेते हैं बेटा एल मान लेते हैं, एल से लड़के और पी से पुरुष, इतना समझ में आया। आप देखते हैं यहां पर क्या करना है, अब आप इसे डिवाइड करेंगे, देखिए फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो मतलब क्या हो गया एक पी बराबर से दो एल निकल कर आया, क्या निकल कर आया बेटा वन पी लिखेंगे आप तब भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वन की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो एक पी बराबर से कितना टू एल। अब आपसे पूछा उसी कार्य को, उसी कार्य को क्या बोला बेटा, उसी कार्य को तीन पुरुष
धन चार लड़के कितने दिनों में करेंगे, आप लोगों से पूछा है। तीन पुरुष और चार लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो आप देखिए तीन पी की वैल्यू यहां से रखना है, तो पी की वैल्यू क्या है, टू एल धन चार एल, तो ये देखिए थ्री टू जा कितना हो गया सिक्स एल प्लस फोर एल, कुल मिलाकर कितना हो गया टेन एल, मतलब कितने लड़कों से काम कराना है, आप दस लड़कों से, कितने लड़कों से काम कराना है बेटा, दस लड़कों से काम कराना है। तो देखिए हमारा तरीका क्या होता है, एम वन डी वन क्या होता है, एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू, यह होता है। इतना समझ में आया, देखिए अब करते क्या है, आपको दिया है हमने जो यहां निकाला है ना उसकी वैल्यू आप यहां फॉर्मूले में रखेंगे, यहां हमने क्या निकाला है, तो आप देखेंगे यहां पर हमने एल निकाला है सर, क्या निकाला बेटा एल निकाला है, तो इस एल की वैल्यू आपको रखना है। तो देखिए शुरू में एल क्या थे, तो शुरू में एल का मतलब आठ लड़के, आठ लड़के कितने दिनों में कर रहे थे, पंद्रह दिनों में कार्य को कर रहे थे बेटा, तो एम की वैल्यू क्या थी आठ, ठीक है एम की वैल्यू आठ, लड़कों से कराया हमने काम तो एम की वैल्यू हमने आठ रखी, और दिन कितने, तो देखिए पंद्रह दिनों में, पहले आठ लड़के पंद्रह दिनों में उस कार्य को कर रहे थे। अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे काम कराना कितने लड़कों से, दस लड़कों से, कितने लड़कों से दस, तो एम टू की वैल्यू क्या रखना है दस, और डी टू हमें निकालना है, जब हमें डी टू निकालना है बेटा तो क्या करना होगा, इस नंबर को जो इसके साथ मल्टीप्लाई में इसे दूसरी ओर भेजना होगा, जब यह मल्टीप्लाई में है दूसरी ओर जाएगा कहां जाएगा डिवाइड में, एट मल्टीप्लाई फिफ्टीन डिवाइडेड बाय टेन, अब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए फाइव से डिवाइड करते हैं, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव टू जा टेन, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, तो डी टू बराबर से क्या बचा बेटा फोर मल्टीप्लाई थ्री, तो डी टू की वैल्यू क्या आई, तो आप कहेंगे सर जी डी टू की वैल्यू आई फोर थ्री जा ट्वेल्व डेज, कितने डेज 12 डेज, तो राइट आंसर देख लीजिए क्या है आप लोगों के सामने 12 दिन, करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बेटा, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फोर में हमें यह देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फोर क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ये पांचों क्वेश्चन बड़े ही कॉन्सेप्चुअल थे, मतलब कठिन थे आप कह सकते हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा कठिन था, पहला क्वेश्चन आपको काफी बड़ा लगा होगा जो आपको समझाया था, तो देखिए ये क्या है कि कठिन क्वेश्चन है लेकिन आएंगे जरूर, आएंगे जरूर बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे चैप्टर आपको अरिहंत बुक के फुल सॉल्यूशन पूरे चैप्टर देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जहां पर हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है आप लोगों के लिए। और यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 out of 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है तो तुरंत हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियोस देखने के लिए मैथ्स बाय विजय सर या फिर हमारे YouTube चैनल का नाम नवोदय ट्रिक्स गुरु जी सर्च कर सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का फुल सॉल्यूशन साथ ही साथ अरिहंत बुक का भी फुल सॉल्यूशन करा दिया गया है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों का भी आप लोगों के साथ नवोदय एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों।